नमस्कार, मैं प्रियांशु शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। बलरामपुर जिला मुख्यालय में विधानसभा रामानुजगंज के लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान और शासन प्रशासन की विभिन्न योजनाओं के आमजनों तक सुलभ पहुंच सके और जागरूकता हेतु आज विधायक और छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री रामविचार नेताम ने आज अपने विधायक कार्यालय का सहयोग नामकरण के साथ लोकार्पण किया। बड़वानी में पीडीएस चावल भंडारण की सूचना मिलने पर खाद्यान्न विभाग कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सहित अन्य विभागों के अधिकारियों द्वारा शहर के नवलपुरा रोड स्थित सोमनाथ कोटेक्स गोडाउन पर गुरुवार रात दबिश दी गई। रात सो होने से गोडाउन को सील किया गया। आज गोडाउन में सोमनाथ कोटेक्स संचालक अरुण मालवीय द्वारा चावल भंडारण कर रखे पाए जाने पर चावल जब्त कर मामले की जाँच में लिया गया। ये कल रात को हमें सूचना मिली थी कि नवलपुरा रोड पे जो गोडाउन है सोमनाथ कोटेक्स सर के, यहाँ पर पीडीएस का जो है सामग्री भंडारित है। तो रात को समय आके रात का समय होने से उस समय हमने गोडाउन सील किया था। आज जाके जो है गोडाउन की सील खोली गई और गोदाम की जांच की जा रही है। गोदाम में चावल भंडारित पाया गया है जो प्रथम दृष्टया जो है पीडीएस के अंतर्गत वितरित किया जाने वाला फोर्टिफाइड राइस जो है कथित होता है। तो इसको हम जो है जब्त कर रहे हैं और ये प्रकरण कलेक्टर साहब को प्रस्तुत किया जाएगा। विद्युत ट्रांसफार्मर से ऑयल निकलने वाला गिरोह सक्रिय। आए दिन चोर ट्रांसफार्मर से ऑयल निकाल कर ले जा रहे हैं। लगातार हो रही चोरी को लेकर किसान परेशान हैं। कई बार किसानों ने चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, पर ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण ये लोग एरिया छोड़कर अन्य एरिया में चोरी करना शुरू कर देते हैं। ग्राम घटगारा में कई किसानों पुलिस थाना बदनावर पहुंचे और थाना प्रभारी को अपनी समस्या सुनाई। चोरों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होने के कारण उन लोगों में पुलिस का डर नहीं है। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध कान्हा नेशनल पार्क में दो दिवसीय क्रिएटर मीट हो रही है, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से आए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और यूट्यूबर शामिल हुए। कान्हा नेशनल पार्क के एक स्थानीय रिसोर्ट में आयोजित इस क्रिएटर मीट की खास बात यह है कि इसमें यूथ को वाइल्ड लाइफ से जोड़ने और वन्य जीवों की जानकारी और उनके संरक्षण को लेकर जागरूक किया जा रहा है। नालछा सर्व हिंदू समाज के आह्वान पर शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा संसद में दिए गए हिंदू विरोधी बयान पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को राहुल गांधी का पुतला जलाकर लोकसभा स्पीकर के नाम राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म करने का ज्ञापन सौंपा। हमारा ज्ञापन, सर्व हिंदू समाज का ये ज्ञापन, राहुल गांधी जो कि एक सांसद है और एक देश की सबसे पुरानी पार्टी से अपना संबंध रखते हैं, उनके द्वारा संसद में हिंदुओं को हिंसा करने वाले हिंसक बताना और उनकी ये जो भावना है ये बहुत घृणित है। और हिंदुओं को उन्होंने जो हिंसक बताया है, हिंसक अगर हिंदू होता तो ना कभी ट्रेनों में जलता, ना अपने देव स्थानों पर मरता, ना कभी कोई बस दुर्घटना में मरता, ना कभी उस पर कोई आतंकवादी हमला होता, ना हिंदू कभी प्लेन हाईजेक करते हैं। लेकिन फिर भी हिंदुओं को भरी संसद में, पूरे राष्ट्र इस संसद में अपने प्रतिनिधि पहुंचाता है और इस संसद का पूरे विश्व पे असर पड़ता है कि एक देश के माननीय संसद में एक सांसद ने ये बोला है कि हिंदू जो कि भारत का बहुसंख्यक है वो हिंसक है। अगर हिंदू हिंसक होता तो हमारे देश में हमारी ये स्थिति नहीं होती कि आज हमको संसद में कोई हिंसक बोल सकता। इसलिए हम राहुल गांधी के इस अशोभनीय टिप्पणी, अक्षम्य टिप्पणी को हम घोर निंदा करते हैं और हम शासन से और माननीय ओम बिरला जी से ये मांग करते हैं सर्व हिंदू समाज कि ऐसे अमानवीय कृत्य करने वाले, अशोभनीय टिप्पणी करने वाले व्यक्ति की सांसद सदस्यता रद्द होना चाहिए, जो कि समाज में वैमनस्यता फैला रहा है और समाज को दो भागों में बांटने की बात कर रहा है। उनको बात करना चाहिए समाज को जोड़ने की, जो बस इसी के साथ हम चाहते हैं कि हमारा ये निवेदन शासन स्वीकार करे। जिला मुख्यालय बड़वानी पर आज क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र मंडलोई का जन्मदिन उनके कार्यालय पर धूमधाम से मनाया गया। विधायक राजेंद्र मंडलोई
विधायक राजेंद्र मंडलोई राजघाट नर्मदा नदी स्थित घाट पर पूजन अर्चन के पश्चात बड़वानी स्थित कार्यालय में पहुंचकर कन्या पूजन कुंकू माथे पर लगाकर उन्हें कन्या भोज करवाया और अपने शरीर के रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं ने अपना रक्तदान किया। मेरे जन्मदिवस के अवसर पर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता दोस्त इष्ट मित्र सब लोगों ने मिलकर एक कार्यक्रम आयोजित किया। मैं तो ऐसे विधानसभा में था लेकिन सभी कार्यकर्ताओं ने दबाव दिया कि आपको यहाँ क्षेत्र में रहना चाहिए, तो मैं आया क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता भी बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। सब ने मेरे जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई दी, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही हमारे युवा साथियों ने ब्लड डोनेशन कैंप भी आयोजित कर दिया है, अभी कम से कम 10 यूनिट हो गई है और भी कार्यकर्ता डोनेट कर रहे हैं, तो ये एक तरह से धार्मिक और सामाजिक कार्य भी हो गया। आज सुबह से ही हम लोग नर्मदा जी की पूजा की, गाय माता को गोग्रास खिलाया, उसके बाद कार्यकर्ताओं से मिले हैं और आज दिन भर कार्यकर्ताओं ने ही प्रोग्राम तय करा है, तो उनके हिसाब से आज मैं दिन भर हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में जैसा वो कहेंगे वैसा मैं उनके साथ करूँगा। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में सरकार तो लाखों करोड़ रुपए ग्राम पंचायत के विकास कार्य के लिए दे रहा है, लेकिन सरपंच सचिव के द्वारा आधा अधूरा कार्य करवाकर अधिकारियों से सेटिंग करा दिए अधूरे कार्य में ही पूरा पैसे का आहरण कर खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है। नल तक आना था लेकिन वो नहीं आ पाया और हुआ है काम तो अधूरा हुआ है, वहाँ तक पानी आ रहा है लेकिन बीच में गैप हो रहा है और इधर उधर घर द्वार में भी पानी जा रहा है, अभी बरसात हो रहा है। तो एक आंगनबाड़ी से नदी तक जाना था वो नाली निर्माण नहीं हुआ है, आंगनबाड़ी से नदी निर्माण कुछ परसेंट ही नहीं हुआ है, वहाँ तक हुआ ही नहीं है। और जो स्कूल है वहाँ भी स्कूल में बच्चे लोग नहा रहे हैं उसमें कीचड़ है, वहाँ भी पानी भरा हुआ है, नहाने आने जाने में भी तकलीफ हो रहा है। हाँ भ्रष्टाचार हुआ है, अब काम नहीं हुआ है तो भ्रष्टाचार हुआ है। बड़वानी में भौतिक शास्त्र का परीक्षा परिणाम रहा शून्य, विभाग अध्यक्ष का कहना है कि नियमित विद्यार्थी अनुपस्थित रहते हैं और प्राइवेट जॉब करते हैं, इसलिए नियमित कक्षाओं में अनुपस्थित रहते। सवाल ये है कि जब विद्यार्थी नियमित नहीं आते तो शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित बहुउद्देशीय योजनाओं जैसे आवास सहायता योजना स्कॉलरशिप आदि योजनाओं का लाभ कैसे मिला और 75% उपस्थिति नहीं थी तो परीक्षा में सम्मिलित कैसे हुए, अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। इस वर्ष जो है हमारे यहाँ का रिजल्ट MSc का फाइनल ईयर में पास है और जो बबीता सस्त्या करके बालिका है हमारे यहाँ की, उसने यूनिवर्सिटी की मेरिट में भी उसका नंबर है, लेकिन सेकंड ईयर का रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं है। इस बार बच्चों को ATKT आई है, 10 बच्चों को ATKT आई है और उसमें से 5 फेल है। इसका कारण यह है कि बच्चों को ATKT एक ही सब्जेक्ट में है, कुछ बच्चे हमने बच्चों को बोला था कि आप चैलेंजिंग फार्म भरो, चैलेंजिंग फार्म में बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं, कापियाँ देख कर आते हैं, हमारे यहाँ के कुछ बच्चों ने भरा था, कुछ बच्चे इंटरनेट की दिक्कत के कारण वो फार्म भर नहीं पाए क्योंकि उसका समय लिमिटेड रहता है, 7 दिन तक भर सकते हैं। जिन बच्चों ने फार्म भरा था वो चैलेंजिंग प्रक्रिया के तहत यूनिवर्सिटी में कापियाँ देखने गए थे, उन्होंने कापियाँ देखी, वे कह रहे थे कि जितने नंबर के क्वेश्चन हैं उसमें उनको जितना लिखा था उतने नंबर नहीं दिए गए हैं, कम नंबर दिए गए हैं, 2-2, 3-3 नंबर दिए गए हैं। तो वे कह रहे थे, हालांकि कापियां हमने नहीं देखी, कापी बच्चों ने ही देखी, बच्चे कॉन्फिडेंट थे इस बात पे कि अगर उनकी मार्किंग वहां ठीक से होती तो वे पास हो जाते। अच्छा सर, बच्चों की जो उपस्थिति 100% रही सर? नहीं, बच्चों की उपस्थिति 100% नहीं रही, बच्चों की उपस्थिति हमारे यहाँ काफी कम रही। सेकंड सेमिस्टर में जो बच्चे आते थे उन्हें हम नियमित रूप से पढ़ाते थे, सभी प्राध्यापकों ने क्लासे बराबर ली है, CC और असाइनमेंट भी लिए हैं। इस बार सेकंड सेमिस्टर में हमने 4 असाइनमेंट लिए हैं। यहाँ पर बच्चे जो है केवल बड़वानी के लोकल ही नहीं है, आसपास के क्षेत्रों से भी हैं, जैसे कुक्षी से, पलसूद से, दूर से आते हैं बच्चे। अब उन बच्चों में कुछ बच्चों की स्थिति, पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति कुछ ऐसी है कि उन्हें कहीं जॉब करना पड़ता है, कुछ कई बच्चे या मैक्सिमम 80% बच्चे स्कूलों में पढ़ाते हैं वो रेगुलर नहीं आ पाते इस कारण से। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए ग्लोबल इंडिया TV के साथ।